इंडिया और भारत में फर्क क्या है जानते हैं? फर्क है, हम लोग का भारत देश ठीक है, बिहार कंगाल है, लेकिन भारत हम लोग का देश ठीक है, बिहार हम लोग का सही नहीं। इंडिया क्या है? इंडिया तो इंडिया है ही है, वो तो उसको समझ क्या मतलब, हमारा अपना भारत से मतलब रखेंगे, इंडिया से हम मतलब रखेंगे। एक बताइए हमको, अभी जो ये एक गाना निकला है, हम कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, ठीक है, तो इसको क्या चेंज किया जाएगा, क्या कहते हैं हमको? अब कहेंगे, अब हमें कहते हैं प्यार से भारत वाले, तो कहिए चेंज करने के लिए मोदी जी को। हाँ। चेंज कर देंगे, गाने को भी चेंज कर देंगे। भारत और इंडिया दोनों सेम ही है, बट ये है कि भारत हमारा दिया हुआ नाम, इंडिया जो है वो अंग्रेजों ने दिया है, तो अब उसका जो है भारत नाम ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं आपके साथ चंद्रमोहन। संसद के विशेष सत्र को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खबर के मुताबिक दो विशेष सत्र के दौरान बिल लाए जा सकते हैं, प्रस्ताव लाया जा सकता है, एक देश एक चुनाव और दूसरा इंडिया की जगह भारत करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी अब जो इंडिया नाम था उसे चेंज करके भारत नाम पर मुहर लगाई जा सकती है, इसी के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। और भी राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं अगर इंडिया की जगह भारत नाम हो तो? सर, खबर ये है कि इंडिया की जगह अब भारत नाम होगा इस देश का, कैसे देखते हैं आप लोग? ये तो अच्छी बात है, पहले भी भारत ही था, इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो इंडिया इंडिया कोई शब्द होता ही नहीं है, उसका मतलब कुछ बनता नहीं है। भारत देव भूमि है ऐसा कहा जाता है, तो भारत सही है। लेकिन इससे पहले हम लोग इंडिया कहते थे, आप भी कहते थे, जैसे आप क्या होता था कि कहीं भी अगर आप इंग्लिश में कुछ लिखना होता था तो हम लोग इंडिया लिखते थे, लेकिन अब से अब अगर लिखना होगा भारत तो जितने भी हमारे पुराने डॉक्यूमेंट हैं सब पर चेंज करना होगा, फिर से लोगों को लाइन में खड़ा होना होगा। हाँ, तो वो सही है, उतना कष्ट उठा सकता है, हम लोग डिमोनिटाइजेशन को देखे हैं तो सब बहुत अच्छा रहा है उसमें भी, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। आखिर इंडिया से परहेज क्यों? इंडिया तो एक तो पहली बात की एक पता नहीं कौन सा गठबंधन बना है, एक तो उससे भी है, एक कहावत सुने थे बहुत पहले कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो समझो कि सत्ता दल जो है वो सही है, तो इस वजह से भी कि इंडिया। क्या नाम है आपका? मुन्ना तुमा। आपके देश का नाम क्या है? देश का नाम भारत हुआ। भारत? हाँ। इंडिया क्या है? दोनों एक हुआ, इंडिया तो है भारत तो है। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया नहीं होगा, भारत ही इस देश का नाम होगा, कैसे देखते हैं? इंडिया भारत एक ही ना हुआ, तो अब इंडिया हटाया जा रहा है, केवल भारत ही होगा ना, ये गलत है। गलत है? हाँ। इंडिया भी रहना चाहिए? दोनों रहना चाहिए। दोनों रहना चाहिए? हाँ। भारत में क्या दिक्कत है? भारत केवल भारत हो तो दिक्कत क्या है? दोनों तो एक हुआ ना, अभी तो बोला थे भारत मट्टी लाने में कितना दलील देता, तो तुलाने तो दे दिया उठाते। हाँ। तो दोनों तो एक देश हुआ ना, दोनों एक ही देश है। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रकाश यादव है। आपके देश का नाम क्या है? क्या देश? देश का नाम क्या है जिस देश में हम लोग भारत रहते है? भारत है। भारत में रहते हैं। इंडिया क्या है? इंडिया के बारे में कुछ जानते हैं? क्या इंडिया? इंडिया और भारत में फर्क क्या है जानते हैं? फर्क है, हम लोग का भारत देश ठीक है, बिहार कंगाल है, लेकिन भारत हम लोग का देश ठीक है, बिहार हम लोग का सही नहीं। इंडिया क्या है? इंडिया तो इंडिया है ही है, वो तो उसको समझ क्या मतलब, हमारा अपना भारत से मतलब रखेंगे, इंडिया से हम मतलब रखेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष। सर, एक हमें जानकारी दीजिए, भारत सही है या इंडिया नाम सही? देखिए, जैसे पहले हो चला रहा है, सदियों से इंडिया नाम है ना, भारत क्या है थोड़ा अनकम्फर्टेबल है। हाँ। ऐसे तो दोनों का मीनिंग एक ही है। हाँ। नहीं, अब मीनिंग बदलने जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि इस देश का नाम केवल भारत ही होगा। हाँ। इंडिया का मतलब कुछ दूसरा होगा। एक बताइए हमको। हाँ। अभी जो ये एक गाना निकला है, हम कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, ठीक है, तो इसको क्या चेंज किया जाएगा, क्या कहते हैं हमको? अब कहेंगे, अब हमें कहते हैं प्यार से भारत वाले, तो कहिए चेंज करने के लिए मोदी जी को। हाँ। चेंज कर देंगे, गाने को भी चेंज कर देंगे। हैं? विपक्ष का आरोप है कि जो INDIA ये गठबंधन बना है उसके कारण इसका नाम बदला जा रहा है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हाँ, क्या वास्तविक कारण यही हो सकता है? हो सकता है ऐसा, मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं जो मैं उस चीज को मतलब डिस्क्राइब कर सकूँ, है ना, हो सकता है पॉलिटिक्स में इस रीजन हो सकता है, लेकिन दोनों में सही कौन सा है? देखो, हमको इंडिया तो सही है या भारत? हमको तो इंडिया सही लगता है। इंडिया सही लगता है। हाँ, इंडिया सही, भारत सही नहीं लगता है? भारत सही की बात नहीं है। हाँ। दोनों हिंदी हम लोग बोलते हैं भारत। देखिए, इंडिया का मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या है?
हिंदी में अब बदल जाएगा ना, इससे पहले अब इंडिया का मतलब भारत होता था, लेकिन अब बदल जाएगा जैसे ही प्रस्ताव आएगा, उसके बाद से ये मुहर लग जाएगी कि अब इस देश का नाम भारत ही होगा केवल। अरे देखिए ठीक है, चेंज कर सकते हैं, लेकिन और भी चीज चेंज करो, मतलब कि इसका मतलब क्या, इंडिया के भारत कर दोगे आप, ठीक है, तो और भी चीज़ है जो इंडिया से जुड़ा हुआ है तो उसको भी चेंज कर दोगे आप? सब बदलेगा समय के साथ। इंडिया सही है या भारत सही है? किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत देश में रहते हैं, इस देश का नाम अब चेंज हो रहा है, इंडिया का मतलब भारत होता था, लेकिन अब जब प्रस्ताव आ जाएगा उसके बाद केवल भारत का मतलब भारत ही होगा। कैसे देखते हैं, इंडिया सही है या भारत सही है? भारत सही है। भारत सही है, इंडिया सही नहीं है? क्यों सही नहीं है? भारत पुराना नाम है, इंडिया तो बाद में उसका नाम पड़ा था। अच्छा, भारत पुराना नाम है, तो इंडिया बदलेगा तो आम लोगों की परेशानी भी बढ़ सकती है, मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि सब कुछ जो डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है इंग्लिश में जो लिखा हुआ है इंडिया, फिर हटाना पड़ेगा, फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है। जी, ये परेशानी बढ़ेगी ना। जी जी, फिर क्या मानते हैं आप कि इंडिया सही है या भारत ही सही है? मेरे हिसाब से तो भारत सही रहेगा। भारत ही सही है, भारत पर ही टिके हुए। जी, कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। इंडिया और भारत का मतलब अलग होने वाला है, इंडिया हटाया जा रहा है, भारत ही भारत का मतलब होगा, कैसे देखती हैं? मैं तो वही, मतलब भारत और इंडिया दोनों सेम ही है, बट ये है कि भारत हमारा दिया हुआ नाम है और सॉरी इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों ने दिया है, तो उसका जो है भारत नाम ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बट इंडिया हटा देना चाहिए। जी, बट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए ऑफिशियली शायद यही ठीक होगा, इंडिया मतलब दोनों रहना चाहिए। किस पर आप खड़ी हैं, इंडिया के साथ या भारत के साथ? ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सबके हिसाब से अभी इंडिया ही ठीक है, क्योंकि फिर इतना रश होगा ना फिर, तो इसी वजह से अभी दोनों ठीक ही है, मतलब इंडिया और भारत दोनों रहना चाहिए। यानी 50-50 है। हाँ जी सर, क्या अच्छा होगा, इंडिया या भारत? देखिए, ये भारतीय हम लोग हैं, भारत माता की, भारत हमारा सनातन नाम, और ये जो है अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो हम लोग भारत माता, भारत को मानते हैं, इंडिया माता हम लोग कभी नहीं कहते हैं, इसलिए हम भारत ही मानेंगे। भारत ही सही है। जी, भारत ही सही है और रहना चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट वाली बात हो तो उसमें थोड़ा सा हम लोग, कोई भी प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसे परेशानी झेल लेंगे, लेकिन भारत ही रहना चाहिए। 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है, इस सत्र के दौरान इंडिया को हटाया जा सकता है, इस देश का नाम इकलौता भारत हो सकता है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहरहाल, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं।